top 5 standing yoga asanas for stomach and lower body fat loss. Only 10 minutes to a fitter you. सिर्फ 10 मिनट में आपको ये 3 बार पूरे प्रोसीजर को, सभी 5 आसन्स को रिपीट करना है. आपकी लोअर बॉडी का, लेग्स का और साथ ही में आपके स्टमक से फैट हटाने के लिए एक अच्छा सा वर्कआउट हो जाएगा. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर योगा विद ओम चैंटिंग, प्राणायाम एंड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग. कीप योर माइंड काम and focus before you start doing the same. Let's begin with the asanas. Tadasan ke liye seedha khade ho, dono haathon ki ungliyon ko aapas mein fasaye, upar ki taraf is tarike se le kar ke jaye, panjon par pairon ko uthaye, pure sharir ko upar ki taraf khinche, 30 second ke liye rukne ki koshish kare, saans andar le, saans ko bahar chhodte hue dheere dheere niche ki taraf aa jaye. Asan ko dohraye. इस आसन से संतुलन, चेतना व श्वास में सुधार आता है. वृक्षासन के लिए सीधा खड़े हों, पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो. राइट पैर को उठा करके लेफ्ट थाई पर रखें, हाथों को जोड़ें, हाथ को इकट्ठे मिला करके उठाएं, कोनियों को बिना झुकाए सांस को अंदर की तरफ लेते हुए इस प्रक्रिया को करें. इनहेल करते हुए जितना अच्छे से स्ट्रेच हो, 10-30 सेकेंड्स इस पोजीशन में रहें. धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं. वेट फॉर अ वाइल एंड देन रिपीट फॉर द अदर लेग. आपको जैसे कन्वीनियंट हो, पहले जिस लेग के लिए करना आप उसके अकॉर्डिंगली करें. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना. सामने एक पॉइंट इमेजिन करें, उसे देखते रहें, तो ये आसन आपका बहुत ही ईजीली हो जाएगा. नटराज आसन. पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखिए, दाएं पैर को उठाएं, दाएं हाथ से पकड़ करके पीछे की तरफ ले करके जाएं, बाएं हाथ को सामने की तरफ रखें. जितनी देर बना रह सके उतनी देर उस आसन में बने रहें. विपरीत क्रम में आराम से वापस आने की कोशिश करें. रिपीट फॉर द अदर साइड. अगर इस तरीके से दिक्कत आती है तो सामने किसी चीज़ को पकड़ करके फिर आप इस आसन को शुरुआत में कर सकते हैं. धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छे से बिना किसी चीज़ को पकड़े भी इस आसन को कर पाएंगे. उत्कट आसन. सीधा खड़े हों, हाथों को शरीर के साथ में रखें, पैरों को उतना फैलाएं जितना दोनों कंधों के बीच में अंतर है. दोनों घुटनों को इस तरह घुमाएं कि दोनों घुटने और पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों. घुटनों को झुकाते हुए शरीर को ज़मीन की तरफ खींचें. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर ले जाएं. इसी पोजीशन में बने रहें या फिर स्क्वैट एंड राइज, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तरीके से कर सकते हैं. एडवांस्ड लेवल में स्क्वैट एंड राइज 3-5 बार ही करें. विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलें. इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लोअर बॉडी एंड फैट लॉस. वीरभद्रासन. पैरों के बीच लगभग 3-4 फुट की दूरी रखें, दायां पैर 90 डिग्री घुमाएं, शरीर को भी दाईं तरफ घुमाएं, बायां पैर अपनी स्थिति में ही रहे. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, सिर के ऊपर की तरफ ले करके जाएं, ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, पैरों को नीचे की तरफ स्थिति में बने रहें 10-30 सेकंड के लिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो. सांस को छोड़ते हुए विपरीत क्रम में वापस आएं, फिर दूसरी तरफ दोहराएं. ध्यान रखिएगा, जब हाथों को ऊपर की तरफ ले करके जाते हैं तो अपने शरीर को और हाथों को पीछे की तरफ ले करके जाने की कोशिश करें, जितना आपके लिए कम्फर्टेबल हो. इन सभी आसन्स को आप 3-5 बार रिपीट कर सकते हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ करें या चाहे परिवारजनों के साथ करें. लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, योगा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है. हफ्ते में 3 दिन आप इन आसन्स को ज़रूर करें और हफ्ते में बाकी के 3 दिन आप दूसरे किसी आसन्स को, जैसे कि लेट करके किए हुए आसन या उल्टा लेट करके करने वाले आसन, बैठने वाले आसन, उन्हें ज़रूर करें. हफ्ते में 1 दिन विश्राम लें या फिर हल्की फुल्की सैर करें 30 मिनट के लिए. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. आपका फेवरेट आसन कौन सा है मुझे ज़रूर बताइए. सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें. लुक गॉर्जियस.